लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आलोक जी जो प्लीज, प्रवक्ता यहाँ आलोक जी बैठकर प्लीज किस तरह की वेट, बात कर रहे हैं ना, आलोक जी प्लीज वेट, मैं गुजरात दूंगा कमीशन आपको और समय। गुजराती की बात कर रहा अभी है, यह घोर आपत्तिजनक अभी है। अमित अनिल दुबे जी बोल इनके रहे, फिर माँ मैं और आता हूँ बेटा आपके जिनके पास पास, इनके आप पार्टी दो घर में मिनट सर हुआ रुकिएगा। है, दुबे जी को बोल लेने भ्रष्टाचार दो, के फिर आरोप मैं इन पर आपके ही पास आए आता हैं। हूँ। पूछिए दोनों चोरों की क्या पहले हैसियत है। पहले दुबे जी को बोल लेने पहले दीजिए, पहले अपने एक अपने सेकंड ना, भाषाई प्लीज मर्यादा ना, ठीक प्लीज रखो, इस संयम तरह रखे। नहीं, सबसे बड़े ना चोर ना ना, आप हो और ये आपकी कैसी पार्टी भाषा है, है देश में मनोज, ये इन्होंने शुरू करा। मनोज प्लीज शांत, शांत प्लीज दोनों चोर शांत, जमानत पर ही आए मैं हैं। सिर्फ क्या अनिल बात हो दुबे रही जी है, को आवाज जवाब दिया जाए। नहीं दुबे कोई जी, है, कोई मैं जवाब आपसे दे ही जानना है चाहता नहीं, हूँ कि जवाब नीट मांगे का तो क्या जवाब दे ही नहीं। प्लीज, ऑल राइट, क्या नीट का री एग्जाम किया जाए दुबे जी, या जो चल रहा है सरकार जो फैसले ले रही है सही है? अनिल दुबे जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, नीट में जो नीट के छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है उनके साथ न्याय होना चाहिए, और जो छात्र मांग कर रहे हैं, जो भी छात्र मांग कर रहे हैं, वो मांग उनकी मानी जानी चाहिए। उसमें हम या कोई और बैठ करके यहां पर जो राजनीतिक बात करे उसका कोई औचित्य नहीं। जो छात्रों की मांग है वो मानी चाहिए, और छात्रों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, छात्रों का कैरियर नहीं बर्बाद होना चाहिए। हम राष्ट्रीय लोकदल उसके साथ है, बीजेपी के साथ नहीं हो, हम छात्रों के साथ हैं, बीजेपी भी छात्रों के साथ सरकार में रह के मलाई खाओगे पर, लेकिन सरकार किसी मामले में घिर गई तो बाउंड्री कूद के भाग गए। अब आप जी इधर उधर लेकर के जाने की बात करते हो, हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए, छात्रों का कैरियर बचा रहना चाहिए, हम उस पर कह रहे हैं। आप हर जगह तो आप फिर आपसे क्या बात की जाए, अगर आप राजनीति ही कर रहे हो तो राजनीति आप भी कर लो भाई। हम तो स्टूडेंट्स के साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल चाहता है कि जो स्टूडेंट की मांग हो वो पूरी हो, री एग्जामिनेशन चाहते हैं, जो भी चाहते हो वो पूरी हो। जय विद हो नाथित मोरा करो सुबह एक दास में तोरा, उसमें कहीं कोई छात्रों के साथ कोई समझौता नहीं। इतना क्यों आज अकुलाए हुए हो? नहीं, कोई अकुलाए हुए नहीं है भाई, मैं तो भाई। आप सोचा था कि उसमें आप डिफेंड करोगे नहीं, उनको, डिफेंड हम छात्रों को डिफेंड कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के क्यों साथ सरकार हैं। के फैसले से सहमत नहीं हो? नहीं, सरकार का फैसला, सरकार कहां कह रही है कि वो छात्रों के विरोध में है, वो भी तो छात्रों के ही साथ है। तो आप किसके साथ हो? नहीं, हम छात्रों के साथ हैं। छात्र री एग्जामिनेशन मांग रहे नहीं, हैं। तो जो जो मांग रहे हैं वो पूरी हो, जो छात्र मांग करे वो पूरी हो। ये तो गलत है, अनैतिक बात कर रहे हो। नहीं, हम अनैतिक बात तो हम कभी करते नहीं, हम तो हमेशा नैतिकता की बात गठबंधन करते। में हो तो गठबंधन की तरफ रहोगे? हाँ, हम अरे भाई, हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए, छात्रों का कैरियर बर्बाद ना हो, वो मांग हम कर रहे हैं, वो पूरी भी होगी। छात्रों के साथ कौन अन्याय कर रहा? आलोक अवस्थी जी, ये दुबे जी किधर किधर से खेल रहे हैं आज, ये इनको क्या हो गया है? दुबे जी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। छात्रों के साथ हम सभी खड़े हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, यही हमारी हमारी नीति है और यही हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। ऑल राइट, मैं नावेद सिंह।